जैसा कि आप सभी लोगों को तो पता है कि आज है वीवो प्रो कबड्डी सीजन 8 का महा ऑक्शन, यानी कि आज होगा। सबसे पहले अभी हमें देखने के लिए मिल गया है ओवरसीज प्लेयर का ऑक्शन। जी हाँ दोस्तों, ओवरसीज प्लेयर का ऑक्शन खत्म हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर किस टीम ने किस प्लेयर को खरीदा, आखिर क्या हुआ और कौन से प्लेयर अनसोल्ड हुए, सारी बातें करने वाले हैं। और पटना ने किस किस प्लेयर को खरीदा और मैं आपको एक जरूरी बात बता दूँ, पटना ने अपना एक FBM कार्ड यूज कर लिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हर एक टीम के पास दो दो FBM कार्ड होता है, उसमें से पटना ने एक FBM कार्ड का यूज कर लिया और उससे खरीद लिया है जैन कुल्ली को। जी हाँ दोस्तों, अब और एक FBM कार्ड बचा हुआ है पटना के पास, तो देखते हैं क्या उससे प्रदीप नवाल को ये बाय करते हैं या फिर और कोई प्लेयर को बाय करते हैं। अब बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, तो अगला वीडियो में आपको बहुत जल्द लाऊंगा ये बताने के लिए कि आखिर सभी टीमों के पास कितना पर्स है। तो बस तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए रेगुलर इस टाइप की वीडियोज़ लाते रहता हूँ, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आखिर कौन कौन से प्लेयर सोल्ड हुए हैं और साथ ही में और वो कितने पैसे में सोल्ड हुए, सारी बातें करेंगे। तो आज का महा ऑक्शन का आगाज़ हुआ था मोहम्मद मलिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद मलिक के साथ आगाज़ हुआ था आज का प्रो कबड्डी का ऑक्शन का और इनका बेस प्राइस था 10 लाख। यहाँ पर मैं आपको एरो से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जिस प्लेयर के लिखा हुआ है ये सभी हैं बेस प्राइस के नाम और ये सोल्ड हुए थे 10 लाख में। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख इनका बेस्ट प्राइस था और इसी प्राइस में ये सोल्ड हो गए। और तो चलिए नज़र डाल लेते हैं दूसरे प्लेयर थे, दूसरे प्लेयर अबुजार मेघानी। अबुजार मेघानी का बेस प्राइस था 20 लाख रुपये और इनका और ये सोल्ड हुए हैं 30 लाख, 30.5 लाख रुपए में। जी हाँ दोस्तों, 30 लाख रुपए में ये सोल्ड हुए हैं। तो चलिए नज़र डाल लेते हैं अगले प्लेयर पे। तो अगले प्लेयर है जैन कुल्ली। तो जैन कुल्ली को पटना ने फिर से अपने टीम में FBM के मदद से ले लिया, तो इनका बेस प्राइस था 20 लाख और ये 20.5 लाख में ये रिटर्न हो गए हैं। तो चलिए नज़र डाल लेते हैं अगले प्लेयर पे। तो अगले प्लेयर हैं मोहसिन मसूदली। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनका बेस प्राइस था 10 लाख क्योंकि ये कैटेगरी सी के प्लेयर हैं और ये टोटल 12.8 लाख रुपए में सोल्ड हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, और इनका बेस प्राइस था 10 लाख रुपए और इन्हें यू मुंबई के टीम ने अपने टीम में हासिल कर लिया है और ये ऑलराउंडर है और ये ईरान के प्लेयर हैं। तो चलिए नज़र डाल लेते हैं अगले प्लेयर पे। तो अगले प्लेयर है वेक्टर और इनकी बात करें तो इनका बेस प्राइस था 10 लाख रुपये और इनको पुनेरी पल्टन की टीम ने अपने टीम में हासिल कर लिया है टोटल 10 लाख रुपये देकर इनका बेस प्राइस पर ये सोल्ड हो गए। तो आगे के प्लेयर का नाम मैं पढ़ूंगा नहीं, आप लोग खुद ही देखते रहिएगा, मैं आपको एक एक कर दिखा दूँ क्योंकि बहुत सारे प्लेयर है फॉरन प्लेयर, यानी कि इतने सारे प्लेयर मैं सबका नाम पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं अभी आगे और भी बहुत सारे वीडियो का मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को अब पब्लिश कर देता हूँ। आप लोग आगे जितने भी अभी प्लेयर आ रहे हैं आप लोग इन सभी का नाम देखते रहिए, मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।